फिनिश करना है और नया टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। पांच घटाव, गुणा और भाग, तीनों ही टॉपिक हमें फिनिश करने हैं, ताकि जो अगली क्लास आएगी उसमें हम अपना परिमेय संख्याओं को हम कैसे संख्या रेखा पे दर्शाते हैं वो स्टार्ट कर सके, ठीक है। हाँ, तो पिछली क्लास में बेटा, हाँ बेटा, होमवर्क भी बहुत कम बच्चे कर रहे हैं अभी भी। सुमित तो मेरे पास रेगुलर भेज रहा है, बट अभी भी काफी कम बच्चे हैं जो मुझे होमवर्क भेजते हैं, ठीक है। तीन चार बच्चे ही भेज रहे हैं होमवर्क। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन पर एरर आ रहा है। बेटा मेरी तरफ से तो स्क्रीन सही है। हाँ, हमें तो दिख रही है। हट गया, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है। और एक और चीज नोटिस करी थी मैंने कि आप में से काफी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चंस गलत करे थे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे थे जो क्वेश्चन गलत कर रहे थे। तो अगर आपको जोड़ नहीं आया तो आप घटा भी नहीं सीख पाओगे। तो एक क्वेश्चन हम फिर से जोड़ का कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसको मुझे जोड़ना है, माइनस का 3/2 में जोड़ना है माइनस का 1/5, ठीक है। तो देखो कभी भी दो चिन्ह साथ में नहीं आते, तो प्लस और माइनस की यहाँ करनी होगी मल्टीप्लाई, जो कि आएगा माइनस। अगले स्टेप में आपको पता है एलसीएम होगा, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। पिछली आरिया बार कर लिया तो एलसीएम 10 ही आएगा। ऊपर है मैम, माइनस थोड़ी की। क्या सी आ रही है। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? नो मैम, वॉइस नहीं आ रही आपकी। बाकियों को आ रही है? यस मैम, इसमें एकदम तो वैसे कोई क्लियर। दिक्कत नहीं आएंगे। देव दोबारा ज्वाइन कर लो। माइनस का 3, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में माइनस है माइनस लिखो, 1 है 1 लिखो, मल्टीप्लाई है बॉक्स। अब देखो 2 के पहाड़े में 10, मैम 5 बार, 5 के पहाड़े में 10, 2 बार, 5, दो बार बस मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 15। अब क्योंकि एक संख्या माइनस की है तो माइनस का 15 आएगा, बीच में भी माइनस का निशान है। 1 को 2 से गुणा करोगे 2 आएगा 20 10। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की होती हैं तो क्या करते हैं? सिर्फ मैम, 17/10 17/10 या माइनस का 17/10? वेरी माइनस का आएगा, क्योंकि वो गुड रोहित। चिन्ह तो माइनस के ही लगे हैं, लेकिन होंगे प्लस। मैम हाँ, होंगे प्लस लेकिन आएगा साइन माइनस का, ठीक है। तो यही रूल सेम हमारा डिवाइड जोड़ में भी लगने, सॉरी घटा में भी लगने वाला है, सब्ट्रैक्शन में भी ये नियम हम लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे कर लो, अगर मैं आपसे बोलूं 7/3 में से 13/4 को आपने घटाना है। मैम, यस, अगर प्लस और माइनस होगा तो जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे कब साइन आएगा ना मैम? बेटा हर किसी में ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे ना तो 15 बड़ा है। अगर आपको बड़ी संख्या का ही देखना है, यहाँ पे भी 15 बड़ा है जिसके आगे माइनस का निशान है। अगर बता किसी के बीच में मल्टीप्लाई होता तो किसके बीच में मल्टीप्लाई? हाँ, मल्टीप्लाई होता माइनस का 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तब भी माइनस आता अच्छा। है ना। मल्टीप्लाई में और प्लस माइनस में रूल हमारे चेंज हो जाते हैं। मतलब सब में माइनस का ही लगेगा, बड़ी संख्या के पीछे वाला साइन ही लगेगा। हाँ, ऑलवेज हमेशा बड़ी संख्या के जो आगे साइन है वही लगाओ। देखो ओके मैम, 3 और 4 का आपने एलसीएम करा 12 आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। ऊपर 7 है 7 उतारा, गुणा बॉक्स, बीच में माइनस, 13 लिखा है 13 को ऐसे उतार लो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। 3 के पहाड़े में 12, 4 बार, 4 के पहाड़े में 12, 3 बार, 7 4 जा 28, 13 3 जा 39 डिवाइड बाय 12। अब देखो 28 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानोगे? एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, अपोजिट साइन। वेरी गुड अरुण, साइन में गड़बड़ है बाकी आंसर ठीक है। अपोजिट साइन ऑलवेज माइनस होंगे। मैम अब आपने वैसे माइनस के साइन माइनस भी गलत किया बेटा, 11 आएगा ना, और बड़ी संख्या है 39 जिसके आगे माइनस का निशान है। हाँ, वेरी गुड सुमित एंड रोहित, क्लियर? बताइए सभी, समझ में आ गया? यस मैम हाँ, जो हमेशा बड़ा होगा संख्या उसी का साइन आएगा।
वेरी गुड शिवा। क्वेश्चन कर ली पोल में? यस मैम दे दो। यस मैम। अच्छा बेटा, कोई भी ऐसा बच्चा हो, विशाल, शिवम, शिवम सिंह, सौरभ, कोई भी, साहिल, सचिन, कोई भी बच्चा हो, अगर नहीं समझ में आया पंकज, तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि अब मैं पोल में सवाल दूंगी, वहां गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर अभी भी कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लो। नो मैम, क्लियर है। क्लियर? ठीक यस है यस फिर, चलिए यस मैं पोल में ही सवाल दे देती हूँ। और बाकी बच्चे भी बेटा बोला करो, सिर्फ 3-4 बच्चे ही हैं क्लास में जो माइक ऑन करके बोलते हैं, सभी को बोलना है, इंटरेक्शन करना है। ये है सवाल, 14/5 में से 11/3 को घटा दो, कीजिए। पोल में ही ज्यादातर सवाल आज हम करने वाले हैं लगातार। बेटा ये जो बच्चे हैं, ब्रजेश के नाम से, मोहित, आप लोग टाइम पे क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? पता है ना कि क्लास कितने बजे शुरू होती है, कितने मिनट पे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। पोल में भी सवाल दे दिया मैंने रिवाइज करवा के। ठीक और जब भी आंसर करूं तो एक बार आंसर को जरूर क्रॉस चेक कर लिया करो, डबल चेक कर लिया करो। वेरी गुड। नौ में से 6 बच्चों का आंसर करेक्ट है। बारह बच्चों का आंसर आ चुका है और 8 बच्चों का आंसर, ठीक है 12 में। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ बस स्टार्ट कर रही हूँ। सभी ने कर दिया बेटा? यस मैम कर दी। 5, 4, 3, 2। चलिए हाँ, कॉपी जिसे दिखानी है कॉपी दिखा दो। हारून करेक्ट है एकदम आंसर, गुड। बाकी चैट सेक्शन में करो, संदीप एकदम करेक्ट है, रोहित रोहित कॉपी दिखाओ, सिद्धार्थ एकदम सही है। रोहित बेटा देखो क्या गड़बड़ करी है, आपको साफ दिख जाएगा, आंसर सही है, साइन में गड़बड़ है। मैम पर बड़ा तो 14 है ना, और 14 के साइन तो प्लस।
जब भी आगे से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो हमेशा माइनस में ही आएगा आंसर। बड़ा 14 है, लेकिन 14 को जब आपने चेंज किया एलसीएम लेके, वो 14 थोड़ी ना रहा, 14 रहा क्या जब आपने एलसीएम लिया? 15 आया। यस मैम। तो आप ओरिजिनल वैल्यू का साइन थोड़ी ना देखते हैं। 5 के पहाड़े हैं 15 तीन बार, 3 के पहाड़े हैं 15 5 बार। अब ओरिजिनल वैल्यू तो बेटा ये बन गई ना, यही लिखा है आपने अपनी कॉपी में रूट, ये लिखा ना माइनस सही किया 13। वेरी गुड शिवा, 13 बटे 15। बट यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है बताओ, आपको कौन सी बड़ी वैल्यू नजर आ रही है? Yes, 55. मैं मेरे को लगा शुरू से ही होता है। नो no, वो तो आप ओरिजिनल इक्वेशन अब आपकी फॉर्म सी बन गई, जहाँ करते हुए आ रहे हो ना स्टेप वाइज। ओरिजिनल वाली को नहीं देखना, जहाँ पहुंच रहे स्टेप वाइज वो आपकी फिर बन जाएगी, न्यू इक्वेशन को देख के करना है। ठीक है? यस मैम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले में ध्यान देना सभी। अगला yes. क्वेश्चन दे रही हूँ अब मैं, अगर सभी को समझ में आ गया तो। यस मैम दे दो। ठीक है, सारे सवाल एक जैसे हैं, बस आपने ध्यान ये रखना है बड़ी संख्या का निशान और कुछ नहीं। 19/7 में से 21/5 को घटाना है। फिर अभी अभी जिसने आंसर किया फिर साइन की गड़बड़ कर दी। दो बच्चों ने आंसर किया, एक का सही है एक का गलत है। मैम आप बताना एक बार, 5 में से 4 बच्चों का करेक्ट। मैम मतलब जो बाद में दो बच्चों ने किया वो उनका ठीक है ना? क्या मैम जो बाद में दो बच्चों ने किया है 3 के बाद उन दोनों का ठीक है? मतलब जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर किया था ना उसी का गलत है, बाकी उसके बाद जिसने भी किया है सबका ठीक। यस मैम। बेटा जो भी बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं टाइम पे क्लास ज्वाइन करो, और मुझे एंड तक सभी बच्चे क्लास में दिखने चाहिए, कोई बीच में लेफ्ट नहीं होगा जब तक पूरी क्लास एंड नहीं हो जाती। तो अगर कोई इश्यू की वजह से क्लास लेफ्ट होती है तो उतना ही टाइम रिकॉर्ड होता है इसमें? हाँ, अगर अभी एक बच्चे ने ज्वाइन किया वो 10 मिनट बाद चले गया तो उतना ही आएगा कि 10 मिनट के ही लिए उसने क्लास ज्वाइन करी है सिर्फ। नहीं मैम, इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी शुरू में क्लास ज्वाइन की थी तो आपने जब मुझे वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी तो आपने मुझे कहा कि एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ। नहीं, वो दोबारा आ जाता है आपका नाम, फिर दोबारा आ जाएगा। अच्छा मैम, ठीक है, फिर वो ऐड हो जाएगा टाइम। मतलब जो हमने पहले ज्वाइन करने का जो टाइम दे रखा था वो तो खत्म नहीं होगा ना मैम? नहीं नहीं, जैसे अगर आपने दो बार क्लास ज्वाइन करी किसी प्रॉब्लम से तो जितने मिनट पहले है फिर जितने मिनट बाद में है वो दोनों साथ में आ जाएगा। ओके मैम। ओके मैम, बस यही पूछना। गुड, जिसने सबसे पहले ही किया था ना उसका ही गलत है, बाकी सबका ठीक है अभी तक के सवाल।
हाँ बेटा अभी काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, 2-3 बच्चे रहते हैं उनको भी करने दो जरा। जल्दी के चक्कर में माइनस प्लस भूल गया। गलती वही है, गलती और कहीं नहीं होगी, कैलकुलेशन हर कोई कर लेगा, बस साइन में ही गड़बड़ कर रहे हो। चलिए अब मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ चाहो तो कॉपी दिखा दो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ठीक ही है ये। हाँ वेरी गुड अरुण, करेक्ट सदाफ, एकदम करेक्ट शिवा, एकदम करेक्ट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है सुमित, वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट। देखो सबसे पहले 7 और 5 का एलसीएम 35 आएगा, कितनी बार हम कर चुके हैं, 19 को ऐसे लिखा गुणा लगाया बॉक्स, बीच में माइनस है, 21 उतारा, अगेन वही स्टेप। 7 के टेबल में 35 फाइव टाइम्स आता है, 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स आता है, 19 5 जा क्या होता है 95, 21 7 जा 147, यस डिवाइड बाय 35। क्या करूं जोड़ू या घटाऊं? मैम घटा दो, मैम घटा दो, हाँ क्योंकि एक संख्या प्लस है एक माइनस है, यही आंसर है। नो मैम, नो मैम, नो मैम, का साइन आएगा माइनस का, डिडो 7 बड़ा है मैम, बड़ी बड़ी संख्या, यस वेरी गुड 147 है, माइनस का 52 डिवाइड बाय 35। रोहित बार बार क्लास लेफ्ट हो जाती है, तो बेटा कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम से भी होता है, ठीक है। हाँ चलिए तो ये थे हमारे 2 सवाल भाग के, अब हम सॉरी घटाव के, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं जो कि है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं दे रही हूँ आपको एक संख्या माइनस का 15/4 को गुणा करना है 2/30 से, ठीक है 2/30 से हम करके देखते हैं। हाँ आपको पता है कैसे काटते हैं संख्याओं को, या तो ऐसे काटो क्रॉस में, बहुत बार कर चुके हैं, या ऊपर नीचे संख्याएं कटती है, देखो पहाड़ा पढ़ो, 15 एकम 15, 15 दुनी 30, इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर तो सिर्फ 1 ही है, नीचे क्या है 4, क्या यही आंसर है? Yes, ma'am. हाँ कोई बात नहीं, लेकिन साइन का ध्यान देना है नेक्स्ट टाइम पे, यही आंसर है मैम 1/2 होगा शायद। यस नहीं मल्टीप्लाई भी होगा नीचे मैम, 4 भी तो कटेगा ना मैम, किससे कटेगा 4 मैम, 2 से कट के फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 और 2, पर इस 2 से तो मैंने 2 काट दिया ना। यस मैम, यस मैम, मैं साइन का पूछ रही हूँ, साइन मैंने सही लिखा है, प्लस का आएगा 15 के आगे में माइनस का साइन है तो मैम माइनस का आएगा साइन। हाँ यही तो मैं आपको देखने के लिए बोल रही हूँ कि 15 के आगे माइनस का साइन है और एक ही संख्या माइनस की है, मल्टीप्लाई में हम काउंट करते हैं, वेरी गुड शिवा, मल्टीप्लाई में हम काउंट करते हैं कितने नंबर्स माइनस के हैं, तो यहाँ एक ही नंबर माइनस का है और एक हमारी होती है विषम संख्या, ऑड नंबर इसलिए साइन माइनस का है, ठीक है। अच्छा मैम ये क्या मैम, इसमें काउंट करके लिखेंगे और उसमें बड़ी क्या क्या आगे वाला? यस उसमें मल्टीप्लाई में काउंट करके लिखना, देखो मल्टीप्लाई में काउंट करके मेरे को ज्यादा इजी लगता है, नहीं तो मल्टीप्लाई में जो रूल होता है ना, होता तो यही है कि अगर माइनस, ये माइनस का था दूसरा प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बट मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि मैं काउंट कर लूं, क्योंकि अगर कहीं पे 2 से ज्यादा माइनस के निशान आ गए तो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं काउंट करके ज्यादा इजीली ऑड एंड इवन वाले से करती हूँ। एक बार फिर से मेरा कहने का मतलब ये है, चलो अगर मैं इसको ऐसे लिख देती, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते, माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/5, ये सवाल है। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, आप बोलोगे 3 से 3 कटा, 2 से 4 कटा, 2 दुनी 4, ऊपर तो सिर्फ 1 है, नीचे है 2 गुणा 5 10,
अब साइन की बारी आई है, अब आपको दिख रहा होगा तीनों ही संख्याएं माइनस की है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाता है। देखो कंफ्यूजन माइनस का ही समान आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस फिर माइनस हो गया। हाँ ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे करूँ माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस साथ में, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो सकता है और साइन भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं ना काउंट कर लेती हूँ। तो तीनों ही संख्याएं माइनस की है और तीन हमारा विषम संख्या है, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस लगा दूंगी, मुझे करने की जरूरत नहीं है। इव और ऑड से कर सकते हाँ, इवन एंड ऑड वाले से कर लो, ज्यादा बेटर है। हाँ बेटा, सुनील के नाम से भी बच्चा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप सिर्फ गिन लो आपको इस सवाल में कितने तीनों ही संख्याएं माइनस की नजर आ रही है, पहले मुझे ये बताओ आ रही है तीनों संख्या माइनस की नजर। तीन हमारा क्या होता है, सम संख्या है या विषम संख्या है? मैं विषम संख्या बेटा जिससे पूछ रही हूँ वही बताएगा, विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या होगा तो माइनस साइन आएगा और अगर सम संख्या आएगा तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इसको याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। बाकी कैंसिल करना तो आ ही गया होगा ना जो मैंने काटा है। मैम एक और बार बता दो, एक और बार बता दो इसको। यस मैम। देखो मैंने कैंसिल कैसे किया है, यहाँ पे दो को दो से, दो को चार से काट दिया, दो एकम दो, दो दूनी चार, तीन को तीन से काट दिया, ऊपर बचा एक, नीचे है दो गुणा पांच, एक बटे दस। अब क्योंकि तीनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तीन हमारा विषम संख्या है, इसलिए उत्तर में माइनस साइन आएगा। मैम जा बाबा की। विशाल के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? इतनी दोस्त ने छीन लिया था मोबाइल। बेटा तो ऐसी जगह बैठते क्यों जब किसी और को, मैम कह रहा था वो मोबाइल मेरे, ऐसी जगह बैठते ही क्यों जब साथ में डिस्टरबेंस है तो। मैम सॉरी, डिस्टरबेंस वाली जगह तो नहीं बैठना चाहिए ना पढ़ने के लिए। मैम सॉरी। मैम यस बोलो। मैम जहाँ पे आपने एक बट्टे दस लिखा या फिर वहाँ पे अगर दो बट्टे दस होता तो और ज्यादा कैंसिल कर सकते हैं ना हम? हाँ बिल्कुल, अगर ऊपर ऊपर दो बटे दस होता फिर कट जाता, दो एकम दो, दो पंजे दस, फिर आंसर आता एक बटे पांच माइनस का। मैम जब तक कट रहे थे काटते रहेंगे। हाँ काटते रहेंगे बेटा, अमित टाइम पे क्लास ज्वाइन करो। हाँ रिचार्ज नहीं था नेक्स्ट, पिछली क्लास में भी आपका टाइम बहुत कम है क्लास में ज्वाइन होने का, सबको नोटिस कर रही हूँ मैं, एक एक बच्चा कितनी देर क्लास में आता है। चलिए अब दे दो पोल में सवाल है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिलहाल तो दो ही अंक वाले हैं, तीन अंक वाला मैं आपको एक बना के दूंगी अपनी तरफ से, फिर उसका आंसर कीजिएगा। ये है सवाल, आपको क्या ध्यान देना है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ माइनस का ध्यान देना है, साइन का। अभिषेक बेटा कौन सा टाइम है क्लास ज्वाइन करने का, आधे घंटे लेट हो आप, और पिछली क्लास भी आपने सिर्फ 10 मिनट की ज्वाइन करी थी। मैम डन। बेटा नेक्स्ट टाइम से क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, अगर सिर्फ 10 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन ही क्यों करना है बताओ। मैम अटेंडेंस लगवाने के लिए मुझे बता दो अपना नाम, मैं लगवा देती हूँ आपकी साल भर की अटेंडेंस, ऐसी है तो अटेंडेंस का ही है, सीखना नहीं है कुछ। बुनियादी एग्जाम हुआ था उसमें से इतने सारे, अभी क्लास में 28 बच्चे हैं और मुझे क्या पता चल रहा है कि बुनियादी एग्जाम में सिर्फ तीन चार बच्चों ने ही क्लियर किया है, तो सोचो उसमें सिर्फ बेसिक आता है, अगर आपका बेसिक इतना ही स्ट्रांग होता तो सबका क्लियर होता ना, मतलब कहीं ना कहीं कमी है अभी भी, आपको अभी भी सीखना है। ठीक है, सभी से बोल रही हूँ मैं, ये तीन ही है मैम।
तीन बच्चे हैं तो सिर्फ तीन बच्चों का क्लियर हुआ। सोचो ना क्या रीजन होगा कि सिर्फ तीन ही बच्चों ने वो क्लियर किया एग्जाम। हमारे क्लास में से पांच बच्चों ने। हाँ, पांच और तीन आठ, सिर्फ आठ बच्चों। हमारे हमारे भी चार हो जाते लेकिन अभिषेक गया ही। तो इसलिए आपने अभी भी सीखना है। तो बुनियादी एग्जाम तो हर साल होगा, तो चाहते हो कि अगले साल वाला क्लियर हो, तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी ना। चलिए बहुत अच्छा है कि 15 में से 15 बच्चों का आंसर एकदम ठीक है, किसी का गलत नहीं है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बहुत छोटा सवाल है। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, कॉपी दिखाने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि सबका ही ठीक है, सिर्फ एक का गलत है ना। हाँ, चैट सेक्शन में कर दो बाकी बच्चे आंसर। वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट, सभी बच्चे एकदम सही बोल रहे हो। आंसर 3 1 3 3 5 15। क्या 7 और 5 कैंसिल हो सकते हैं? नहीं, उसे 7 और 5 बचा, आप एक ही संख्या माइनस की है, तो आंसर भी माइनस का 7/5 आएगा। ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करें। बुनियादी पेपर से होगा, अब सेकंड वाला होगा, उन बच्चों को पक्का कुछ ना कुछ प्राइज या कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। तभी मैं ये कॉल का आंसर नहीं दे पाया। क्यों मैम, कॉल आ गया था। ये वाला करो फिर, नेक्स्ट सवाल। देखो जो भी एग्जाम हो रहा है वो उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही है, हो सकता है आपको प्राइज मिले, है ना। और प्राइस ना भी मिले तो इस तरह से आपका टेस्ट तो हो ही रहा है ना कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है, क्योंकि इसमें 9th क्लास का कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ 6 से 6 7 8 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मींस आपसे नीचे क्लास का। तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे मेरे नीचे क्लास का आता है या नहीं आता। गुड, अभी भी सभी का ठीक है। मैम एक अपनी तरफ से दे दो बड़े डिजिट। हाँ, इसके बाद में ना 3 अंक वाला दूंगी अपनी तरफ से क्वेश्चन। मैम मेरे में स्क्रीन शो ही नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नो मैम। दोबारा ज्वाइन करके देखो एक बार, लीव करो। ओके, इसलिए पिछली बार भी नहीं दे पोल में आंसर दे पाया। कोई बात नहीं, एक बार लीव करके देखो, अगर नहीं आएगी फिर मैं अपनी साइड से शेयर करूंगी। हम पोल के वो ऑप्शन ऑन कर देना जिससे कि देख सके कि इसने कितने में टिक लगाए हैं। हाँ, मैं अभी इस वाले में दिखा दूंगी। मैम ये तो सबका ही ठीक होगा, अगले वाले में दिखा देना। नहीं, ये वाला गलत है एक बच्चे का, और ऐसा गलत है कि जो आंसर आसपास भी नहीं भटक रहा है, इस तरीके का गलत है। मैम डी कर दिया होगा। तेरा ही बच्चे आंसर किया बेटा, 3-4 बच्चे और हैं, जल्दी से करो। ये तो पहले वाले से भी ज्यादा इजी है, इसमें तो कोई साइन ही नहीं है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। मैम बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, अब स्क्रीन आ रही है बेटा, अब बताओ। यस मैम, आ गई। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। हाँ वेरी गुड मैम, सी होगा सी। चैट सेक्शन में लिख दो। हाँ करेक्ट है रोहित,
गुड वेरी गुड, हाँ सभी का ठीक है, वेरी गुड सदा। यहाँ तो साफ आपको नजर आ रहा है, पांच से पांच काट दो बस, चार और सात बच गया, दोनों ही प्लस का है तो उत्तर भी प्लस का आना है। अच्छा सॉरी, मैं आंसर वो वाला दिखा नहीं पाई आप लोगों को, ठीक है मैं बता देती हूँ। एक बच्चे ने ना डी पे टिक किया है, तो आप सोचो डी आंसर कैसे आ सकता है, डी तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो आंसर भी थोड़ा ऐसे, अगर तुक्का भी लगाना है थोड़ा ऐसा ही तो सोचो जो आसपास भी आता हो उसके, कहीं भी ना जोड़ के आ सकता 22, ना गुणा करके ना भाग करके। चले एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ, चार अंक वाला दूंगी सवाल, ट्राई करना आप लोग, ठीक है। पोल में आएगा? हाँ पोल में ही आएगा। दिया था शिवा, क्लियर हुआ? फिर देखो पेपर तो सभी ने दिया होगा, क्लियर हुआ नहीं? यस मैम मेरा भी हो गया। हाँ तो बहुत बढ़िया, जिसका भी क्लियर हो गया, जिसका नहीं हुआ वो अगले साल के लिए तैयारी करो। चलो ये है सवाल, चार अंकों का क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रही हूँ, तब तक अपनी अपनी कॉपी में से सॉल्व करना शुरू करो। ये सवाल चार वाला भी वैसे ही होता है, हाँ जैसे ही, जैसे कि दो वाला है ना वैसे ही चार वाला भी है। मैम डन, ठीक है चार में से दो का है, बहुत आसान था, दो का सही है, दो का गलत है, चार में से मैम आप बताना। सात में से सिर्फ तीन बच्चों का आंसर, सात में से सॉरी सात में से हाँ सिर्फ तीन बच्चों का आंसर ठीक है। बहुत गलत जाएगा इसमें। जबकि अगर आप ध्यान से देखो ना, इसमें मैंने कुछ दिया नहीं है करने के लिए। यस मैम बहुत इजी है, इसका कॉमन सेंस लगाना है। मैं तो ऐसे कोई वैल्यू नहीं दी कि आपको पहाड़ा याद करना पड़े या पढ़ना पड़े, जानबूझ के दिया था। मैम इसमें तो ओनली कटिंग करनी है बस। हाँ जितना बड़ा होगा उतना इजी से हो जाता है कभी कभार। हाँ बारह में से सिर्फ पांच बच्चों का ही ठीक है आंसर। देखो बारह में से ना चौदह में से ही ग्यारह बच्चों का आंसर ठीक होता, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर सही कर रहे हैं लेकिन साइन में गड़बड़ कर दिया उन्होंने, सेम वही साइन की दिक्कत। आखिरी के पांच सेकंड्स और, फाइव फोर थ्री टू वन। मैम डी होगा डी। चलो अब मैं आपको ना रिस्पांस दिखा देती हूँ, देखो पहले तो कि किस किस पे टिक किया। आप कभी भी माइक ऑन करके आंसर नहीं करते हम। वेरी गुड अरुण, नहीं अरुण कर रहे, गलत है गलत है गलत है, साइन की गड़बड़ है। हाँ आप वो सभी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो बेटा आंसर और माइक बंद कर दो।
चलिए देखें। ओके तो मैं यही कर देती हूँ। ऊपर सबसे पहले चार से चार कटा, पंद्रह से पंद्रह कटा, दो से दो कटा, तीन से तीन कटा, कुछ भी नहीं है, सब कट गए, कुछ नहीं बचा। जहां कुछ नहीं बचता वहां एक होता है ना, वन आएगा। अब साइन की बात कर लेते हैं। आपको कितने साइन दिख रहे हैं माइनस के? एक ये वाला माइनस का है और एक ये वाला माइनस का है। दो संख्याएं माइनस की है। जब दो संख्याएं माइनस की, बेटा आंसर तो प्लस का आएगा ना। हमारा सम संख्या होता है। समझ में आया? हाँ, चार स्टूडेंट का तो इसमें रॉन्ग है, बट पोल में भी बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग है। कोई बात नहीं, अब मुझे बताओ समझ में आया? ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दिया था। यस मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिवाइड पे, ठीक है। डिवाइड में एक टर्म है वियुक्त क्रम। मुझे बताओ जल्दी से इसका मीनिंग क्या होता है। उल्टा। हाँ, वेरी गुड। वियुक्त क्रम या रेसिप्रोकल का मतलब होता है संख्या को उल्टा करना। जैसे एक बटे दो का उल्टा दो बटे एक, दो का उल्टा एक बटे दो, ठीक है। यही होता है वियुक्त क्रम करना। क्लियर है? यस मैम। हाँ चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट आपने डिवाइड वाले में लगाना है। अब आपको दो बट्टे सात का पहाड़ा आता है क्या? किसी को नहीं आता होगा टू बाई सेवन का टेबल क्या होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वेवक्रम टर्म यूज कर रहे हैं। देखो, जो पहली संख्या है उसमें कोई चेंज नहीं, इसको सोलह बट्टे एक ही रहने दो। भाग को कर दो गुणा, भाग को चेंज करके गुणा कर दो। दो बट्टे सात का उल्टा क्या हो जाएगा? सात बट्टे दो। देखो, पहले वाली में कोई चेंज नहीं, सेकंड वाले को, सेकंड वाले संख्या को आपने रिवर्स करना है, उल्टा करना। क्लियर इतना स्टेप सभी को? यस मैम। फिर काट देंगे बस। अब ये तो मल्टीप्लाई वाला ही सवाल बन गया। टू वन जा टू वन जा और टू एट जा सिक्सटीन, टू वन जा टू, टू एट जा सिक्सटीन, एट मल्टीप्लाई बाय सेवन, इसका आंसर आएगा 56। यस, वेरी गुड। क्लियर है? यस मैम। चेंज करते ही ये क्वेश्चन फिर से मल्टीप्लाई का बन गया है, तो आपका आंसर आ गया। बोल में दे दो आई भी। ठीक है। हाँ, प्लस का होगा तो अच्छा, माइनस का हो। देखो, दोनों प्लस थे तो उत्तर भी प्लस आया है ना। अब एक माइनस वाला देख लेते हैं। माइनस हुआ तो ये वाला करो। माइनस का 35 को डिवाइड करना है 7/4 से। देखो, जो मल्टीप्लाई में रूल है ना, जो मल्टीप्लाई में रूल है सेम वो डिवाइड में ही रूल है, क्योंकि डिवाइड एट द एंड आके मल्टीप्लाई तो बनना है, इसलिए रूल तो सेम रहेगा। पहले में कोई चेंज नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई और इसका रिवर्स 4/7, 7 1 7, 7 5 35, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का 20 इसका आंसर है। क्लियर है? क्योंकि एक संख्या माइनस की है ना, तो इसलिए माइनस में आएगा। हाँ, पोल में एक हार्ड क्वेश्चन है। पोल का करना है ना, इसमें भी वही है ना, सेम वही है जो मल्टीप्लाई वाला है। चलिए, एक क्वेश्चन दे दो पोल में। चलो, मैं अपनी तरफ से एक कार्ड दे रहा हूं। सदाफ बेटा माइक म्यूट कर दो। क्या बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही। कृष्णा दोबारा ज्वाइन कर लो, स्क्रीन नहीं आ रही तो। नेटवर्क स्क्रीन दिख रही है। दोबारा ज्वाइन कर लो, क्लास लीव करो और
नहीं आप भी क्लास लीव करो और दोबारा ज्वाइन करो। मैम मुझे भी नहीं आ रही स्क्रीन, स्क्रीन नहीं आ रही किसी को? मैम आ तो रही है स्क्रीन, मुझे दिख रही है। दोबारा शेयर कर रही हूँ। मैम स्क्रीन चली गई, अभी गई है ना, अभी मैंने हटाई है। अब बताओ आ गई? मैम आ गई, आ गई। स्क्रीन बहुत रुक रही है बेटा। सुनील के नाम से जो बच्चा है, मुझे ना आपकी आवाज आ नहीं रही, आप क्या बोल रहे हो, किसी को समझ में आ रहा है? मैम ये कह रहा है कि आगे मेरी स्क्रीन। ठीक है चलो फिर मैं फोन पे एक सवाल दे रही हूँ। चलिए माइनस 2/3, हाँ डिवाइड का ही है। मैम डिवाइड में सेक्शन टोटल करना है ना? हाँ डिवाइड ही है ये। अच्छा ये तीन वाला ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, चलो ये करो। तीन वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग आता था वो। नहीं नहीं वो रहने दो, बाद में देखो। इस वाले को करो, इसको कीजिए। मैम डन, ठीक है बेटा कॉपी एंड में देखूंगी मैं। बेटा अजीत के नाम से जो बच्चे, आज आपने इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी है? ओके बट आपने ट्राई ही 9 बजे से करना शुरू किया था, 9 बजे के बाद है ना? हैंग कर रहा है ठीक है। आपको पता चलता होगा ना कौन बच्चा कब से क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मेरे पास ये आता है कि ये बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे पास रिक्वेस्ट आती है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ऑटो एडमिट ऑन करती हूँ तो कोई भी बच्चा आ सकता है, बाद में 15-20 मिनट के बाद मैं ऑटो एडमिट ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मैंने चाहती कि 20 या 25 मिनट के बाद क्लास में कोई भी आए, क्योंकि उससे कोल्ड रिस्पांस खराब होता है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि टाइम पे क्लास आ जाओ। मैम जो फिलहाल है उसको इसी कारण से वो हो रही है क्या मैम प्रॉब्लम, आपने ऑटो एडमिट ऑफ कर रखा है? हाँ मैम उसके साथ हो जाती है, वो ना कम ही क्लास ज्वाइन करता है। कौन? कुणाल मैम, कुणाल। हाँ वो मैंने मैसेज भी कर दिया है ग्रुप में। ठीक है गुड, 15 में से 12 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम कर। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। ये शिवा करेक्ट है एकदम, जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट में कर दो। गुड, अरुण करेक्ट है, सुमित वेरी गुड करेक्ट है। हाँ चैट में जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सबका ठीक है, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड संदीप। बेटा कॉपी ना थोड़ी साफ बनाए करो, मुझे गंदी कॉपीज पसंद नहीं है। हाँ सदाफ वेरी गुड करेक्ट, कॉपी है, कॉपी साफ होनी चाहिए, क्योंकि एक तो आप मुझे अपने फोन से दिखाते हो, सामने सामने तो दिखता भी है, फोन में तो क्लियर होना चाहिए ना, तभी नजर आएगा।
डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, इसका होगा उल्टा, 16 ऊपर 17 नीचे, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 वन जा 17, 17 5 जा 85, ऊपर है 5 एंड 16, नीचे है 1, 16 5 जा 80 बाय 1, 80 बाय 1 का मतलब ही 80 होता है, क्योंकि हर में 1 एक 1 होने का कोई मीनिंग नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 हो उसका कोई मीनिंग है ही नहीं, तो 1 लगा है ना लगा, मैम वो तीन क्लियर हो गया? यस मैम, वो पहले वाला क्वेश्चन करा दो जो आपने दिया था, पहले वाला तो पहले वाला मैं कराऊंगा ना, वहां पे थोड़ा सा वो हो जाएगा मैम, मैंने कर लिया, कर दिया था वो, चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन कर लो, फिर मैं दूंगी तीन तीन वाले, एक लास्ट क्वेश्चन दो वाला, ठीक है? ओके मैम, मैंने उतारा नहीं था ना इसलिए, इसी को पर ये है सवाल, 8/9 को भाग दो 64/81 से, पीछे अब तक मैं तीन वाला आपके लिए क्वेश्चन है पूछती हूँ, हो गया समझे, हो ठीक है समझे, हो गया मैम, डन, वेरी गुड मैम, डन डन मैम, मैम डन, ठीक है चलो देखते हैं कितने बच्चों ने किया आंसर, सात बच्चों ने आपने पहले भी दे रखा है ना, क्या बेटा, क्या बेटा, एमए क्वेश्चन आपने पहले भी दे रखा है, हाँ ये पहले किया हुआ है, इसके बाद जो दूंगी अपने आप से बना के वो अलग होंगे, 10 में से 8 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, मैम जी जिसका आंसर करेक्ट होता है और जिसका आंसर रॉन्ग होता है मैम उसका नाम नहीं आता बेटा, मुझे समझ में नहीं आया, किसी को आया, मैं बोला जिसका आंसर रॉन्ग होता है उसका नाम नहीं आता, उसका नाम आता है, क्यों नहीं आता, उसका नाम आता है लेकिन क्लास के एंड में जब मेरे पास रिपोर्ट आती है वो मैं आपको दिखाती भी हूँ, देखो इस बार की जो आज की क्लास का है ना, जिसका गलत आंसर आया जितने बच्चों का, हमने जितने भी टोटल क्वेश्चंस करेंगे उसमें से जितने सही है जितने गलत है उसकी मैं आपको एक शीट आपके ग्रुप में भेज दूंगी कल, ठीक है, हाँ उसमें आपको दिख जाएगा आपके नेम के साथ कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए कितने गलत किए, ओके ओके मैम, चलिए 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, चलिए बस काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं, फाइव फोर थ्री टू वन, देखो आप बोल रहे हो पहले करवाया हुआ है फिर भी 16 में से 6 बच्चों ने गलत करा है आंसर, देख लो बता दो करेक्ट है बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए फिर एक सवाल एंड में जल्दी से कर दो फिर एक सवाल देते हैं, हाँ सुमित करेक्ट है बेटा, इसको मैं जल्दी से करा देती हूँ, 8/9 को ऐसे लिखना है, इसको करना है गुणा, इसको करना है ऊपर 81/64, 8/8 = 64, 9/9 = 81, क्या आया 9/8, कुछ दिक्कत थी क्या, 8 और 9 के पहाड़े में आ रहे थे वो, सिंपल बताओ, शिवा वेरी गुड, क्लियर है सभी को, यस मैम,
हाँ इजी था ना। चलिए एक सवाल मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ सभी को क्वेश्चन करने के लिए, कोई बात नहीं। चलिए सवाल है ये, 4/5 भागा 16/2 भागा 3/10, इसको करो जल्दी से सॉल्व और इसका आंसर चैट सेक्शन में कर दीजिए बेटा, ठीक है? जिसका जिसका आते जाए चैट में कर देना आंसर। याद रखिएगा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ऑप्शन से थोड़ी हेल्प हो जाती है। नहीं इस बार ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इस बार आप ही सॉल्व करोगे। मैम डन हो गया? हाँ चैट सेक्शन में लिख दीजिए। कौन है जो व्हाट्सएप पे लिख रहा है मेरा नेट नहीं चल रहा है? नौ बच्चों का आंसर आ चुका है। मैं करवा दूंगा क्योंकि टाइम भी अप होने वाला है क्लास का, ठीक है? पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। चलो ब्रैकेट सॉल्व में सेम वही, इसको आप एक ही मानोगे तो 4/5 ऐसे ही रहेगा, ठीक है? ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2/16, 3/10, ठीक है? तो सॉल्व करो, 4 × 4, 4 × 4 = 16, ठीक है? मैं स्टेप वाइज करके दिखा रही हूँ, ऊपर बचा 2, नीचे 5 × 4, ये थोड़ी ज्यादा मतलब फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, क्या आया 1/5 मल्टीप्लाई 3/16 नहीं है, 3/10 है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है 5 × 2 = 10 डिवाइड बाय 3/10, फिर से वही 1/10 वैसा का वैसा, भाग का गुणा ये उल्टा 10/3, 10 से 10 कट गया, ऊपर है 1 नीचे है 3, 1/3 इसका उत्तर। क्लियर है? और मैक्सिमम बच्चों का 1/3 ही आया था। ठीक है, क्लियर है सभी को? जो भी बच्चे क्लास में, समझ में आया? सेकेंड स्टेप समझा दूं, एक मिनट में अभी समझाती हूँ। चलिए बेटा क्लास यहीं तक ही है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? और इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दूंगी।